बेसन के साथ हरी प्याज का सब्जी बनाती हूँ, झटपट बन जाती है। रोटी पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ भी इसको खाया जा सकता है। वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम हरी प्याज लेके अच्छी तरह से धो लिया और इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। थोड़ा सा बेसन लगेगी, लो फ्लेम पे बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेनी है। छोटे चम्मच का 3 चम्मच बेसन लिया, कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी एक खुशबू आएगी, रोस्टेड खुशबू आएगी। तब तक इसे अच्छी तरह से चलाना है, फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लगातार चलाना है। बेसन मेरा ड्राई रोस्ट हो गया है, इसे पैन से निकाल लेती हूँ। बेसन ड्राई रोस्ट करने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है। सेम पैन को ही साफ करके ले लिया मैं। अब तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा ही तेल डाला। आप इस डिश को ज़्यादा तेल में भी बना सकते हो, जहाँ बेसन को आप बिल्कुल तेल में ही फ्राई कर सकते हो। तेल कम यूज़ करूँगी इसीलिए बेसन को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया। थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही साथ कटी हुई हरी प्याज को डाल दिया। हवा करके लो फ्लेम पे 2-3 मिनट अपने मॉइस्चर में पकने देती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। प्याज बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा मिर्ची मैं काट के डाल देती हूँ, नमक स्वाद अनुसार, और एक बार चला देती हूँ। कवर करके 1-2 मिनट और पका लेती हूँ इसे, और एक बार लीड खोल के चेक कर लेती हूँ। हरी प्याज बिल्कुल कुक हो गया है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और साथ ही में डाल देती हूँ रोस्टेड बेसन। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा डाल दिया। एक बार में मत डालिएगा, थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लेने के बाद ही थोड़ा सा और डालनी है। पहले रोस्ट कर लिया था इसीलिए बेसन का कच्चा स्मेल बिल्कुल ही नहीं रहेगा और सब्जी भी कम तेल में बन जाती है। ये बन के तैयार है। थोड़ी देर रेस्टिंग करने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद सर्व करती हूँ। बेसन के साथ हरी प्याज बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना बहुत ईजी है। तेल भी ज़्यादा नहीं लगती है अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। चलिए, अगर रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए, होममेड सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।